कौन सा लूंगा, मराठी वाला भाई? गहने तो दिखा, शादी के लिए बिल्कुल तैयार। ये रक्षाबंधन का गिफ्ट लाए हो क्या? ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला। इवनिंग के बाद रात की चाय तैयार है, ये लीजिए। तो कमेंट करने से जो वीडियो की रीच है ना वो बढ़ती है। तो मैंने आपको बोला था मैं पहाड़ी में ब्लॉग बनाऊं या हिंदी में करके, तो आप लोगों के ज्यादातर कमेंट। शादी से पहले कितने गिफ्ट दिए पापा ने आपको? पहली बार ले रही आज ये अच्छी लग रही है, ये थोड़ा बेटर है औरों से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर से ही कर रही हूँ। रात रात है बांदर आ गया ना, आज अपूर टीम है अरेबल घगा बोल रून दिन ने साग पाता बोल रून दिन ने कद्दू का ब्याल चुन लौकी का ब्याल चुन पूछ के तीन भगवान ब्याह। लेकिन खबर खबर राक्षस साल काम कर देनी पैने तब रीछ होनी पे काटने की उम्र पैज ने चुपचाप रोड रोड खाना के रह दिन पर मैं खैबर नहीं जान उस लेनी पर रात दिन लिए घर बना ला मोरा एक इलाई तुम ठुला बोर्ड है नहीं बोटन बड़े छाल ना दिया बिना चाठा को बिना ढूंगा को तीन जाने नहीं पियो पछिल पड़ जाने पछिल की है क्यों पहाड़न में इस बांदरन को आतंक यहाँ बांदर ने लगन कुछ आप यहीं लगन मैंने बांदर ओ ए जनी मोल द पोरा चाहिए ला पोरा चाहिए हाँ छाड़ना नहीं हेड़ा नहीं आमिला बुटी। तो रात रात घाम होना तैयारी है रे और बादल हटुम रहे। आजकल ना रोज रात को बारिश हो रही है और सुबह के टाइम पे मौसम खुल जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। दिन में बारिश होती है तो मज़ा नहीं आता है और दिन भर धूप होती है तो अच्छा लगता है। तो छत पूरा गीला हो रखा है, इसको मैं पूरा एक बार वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। डेली का ही काम हो गया है, रात को रोज ही बारिश आती है तो रोज ही साफ़ करना पड़ता है। मैं जो अब काई लगने लग गई है तो एक ब्रश लाना पड़ेगा अब जिससे काई हट जाए। हाथ से तो होगा नहीं, ये नाखून से नाखून टूट जाएंगे लेकिन ये नहीं निकलेगा। तो पूरे छत में काई लगी है, देखो बरसात में ऐसा ही होता है पूरा कालापन। तो यहाँ यहाँ सब साफ़ करना है यार, एक दिन पूरा लगने वाला है सफाई करने में। ये देखो पूरे किनारे किनारे काई है हरी हरी। बेचारे मिर्ची हमारे ख़त्म ही हो गए थे, दोबारा से लग गए यार, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। लेकिन इतना तो खाना मान लेने का, इनमें कुछ नहीं हो कि फेंक दियो, अब है भी नहीं, पूरा पेड़ भी सूखने लग गया और मिर्ची भी ख़त्म हो गई है। तो दगड़ियों, ये एक वाइपर है तो आप ध्यान से देखिए इस वाइपर को। तो जो ये मुड़ से हुई ऊ रह रही, ये पुछड़ पूरा टूट गयो। तो बूबू ने इतनी बढ़िया कलाकारी दिखाई इस वाइपर में, लकड़ी घुसाकर इस वाइपर को फिर से काम चलाओ बना दिया। लेकिन काम चला तो क्या, बहुत काम करता है। तो अब ये भी ख़राब होने वाला है, देखो यहाँ से भी पूरा ख़राब हो गया लेकिन अभी भी काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ पुरानी चीज़ें जो टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, बूबू उसको ना फिर से जोड़ देते थे। देखो इसमें लकड़ी के गुटके डाल रखे हैं ये। तो अब ऐसी कलाकारी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब कोई करेगा भी नहीं, कोई चीज़ें टूट फूट जाती हैं तो फेंक देते हैं उसे। लेकिन बूबू को बहुत खांत लगती थी, वो जूते चप्पल हो चाहे कपड़े हो चाहे कोई भी पुराना सामान घर का हो तो वो ऐसे ज्वाइन करते थे। देखो अब ये पता नहीं कब तक टिकेगा, लेकिन टिक रहा है, अभी भी काम कर रहा है। तो ये आंगन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, इतना पानी और था वो अब थोड़ी देर में सूख जाएगा और धूप आएगी, तो अगर नहीं आई तो देखी जाएगी फिर। तो सुबह सुबह बंदरों ने आके मक्के के सारे पौधे तहस नहस कर दिए हैं, छोटे छोटे मक्के उनमें लगे थे वो भी खा के चले गए हैं। तो मम्मी जी सारे मक्के के पौधे काट रही हैं क्योंकि रख के कोई फ़ायदा है नहीं, दोबारा वहीं आएंगे तिबारा वहीं आएंगे, देख के बार बार होता ही है। तो यार कुछ चिड़ियाँ खा दे रही हैं, कुछ बंदर खा दे रहे हैं, हमने तो अभी तक अपने खेत का एक भी मक्का नहीं चख रखा है। आगे साइड की सब चिड़ियाओं ने खा दी हैं, पीछे साइड की सब बंदरों ने। सबका गुड मॉर्निंग बोल अपनी तरफ से, गुड मॉर्निंग गाइज बोल। तो अभी थोड़ा थोड़ा दवा खाने लग गया। देखो यार इसमें तो अभी इतने छोटे मक्के लगे हैं, ये बंदर नहीं आते तो इनको तो कम से कम होने देते। सब काटने पड़े, सब बर्बाद हो गया आज। यहाँ से बारिश का प्रस्थान हो चुका है दगड़िये, ऊपर के डाणे काणे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, यही बारिश नीचे को आएगी अभी। और यहाँ बहुत सारे कपड़े डाले हुए हैं, इनको उठाते हैं और नीचे वाले आंगन में है। और यहाँ की ओर देखिए आप, इतनी प्यारी सी धूप आ रखी है हमारे गांव के आगे साइड को। तो सामने की धूप देख के कपड़े उठाने का मन नहीं कर रहा है, कपड़े अपने आप सूखते हैं ऐसा हो रहा है। और ऊपर की बारिश देख के ऐसा लग रहा है यार कपड़े उठा देते हैं, जो सूखे कपड़े हैं वो भीग जाएंगे करके। तो चादर वगैरह उठा लेती हूँ, अगर धूप ही होगी तो फिर देखेंगे, वरना ऊपर से बारिश आ रही है, छींटे मीटे पड़ रहे हैं तो फिर भीग जाएंगे खाली। मशीन में सुखा रखे हैं
जो सूखे टाइप के हो रखे हैं वो भी भीग जाएंगे। बारिश आने लग गई है लगड़ियों, बहुत तेज वाली बारिश आ रही है। तो ये आंगन हमने 10 बार झाड़ दिया है, अब तो मैं झाड़ने से रही। तो इतनी बार बारिश अब कौन झाड़ेगा यार दिन भर पागलों की तरह। तो जो कपड़े थे छत के वो सब मैंने नीचे डाल दिए हैं और आज घर पे ही हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही है तो हम खेत की ओर नहीं गए। घास भी काफ़ी हो रहा था, काटा हुआ कल का बहुत सारा है तो नहीं गए आज। तो शाम तक देखेंगे अगर ये बारिश रुकेगी और थोड़ा ओस सूख जाएगी तब खेत जाएंगे और ना अपने आप रहेगा। तो घर पे आमा और मैं हैं, मम्मी तो खेत ही गई हैं आज भी, क्योंकि खेत में थोड़ा सा कूल टाइप का निकालना था। एक नाली बनानी पड़ती है, नाली से फिर जो पानी होता है ना खेत में ठहरा हुआ वो साफ़ हो जाता है, किनारे किनारे से चले जाता है। तो रोपाई के खेतों में 3-4 जगह ऐसा है कि हमारा सीमार वाले खेत है तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठहर जाता है। तो 2-3 जगह तो मम्मी कल परसों निकाल के आई और एक जगह आज निकालना था। तो फिर उसके बाद नया महीना भी लग जाता है कह रही थी, और फिर उसके बाद 5 दिन तक कहीं नहीं जाते हैं। तो आज मैं निकाल के आती हूँ कह रही थी, तो बारिश में तो भीगी गई होंगी। मैं घर के आगे साइड को आ रखी हूँ क्योंकि बंदरों का पौर भी रहना ज़रूरी है, बारिश के दिन भी चैन नहीं आता है। कभी इस साइड आ जा रहे हैं, कभी इस साइड आ जा रहे हैं। एक तो बारिश है, चुपके से आगे खा के चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज खाने में क्या बन रहा है? पलियो बड़ी का पलियो जो मेरा फेवरेट है, पर ये लोग खाना पसंद ही नहीं करते हैं, इनको गैस हो जाती है। भर भर के चाय की गिलास पीएंगे गैस नहीं होगी, लेकिन बड़ी खाने में इनको गैस हो जाएगी। आयो लॉग ले आलिंग भाई, मैं की बोलू अच्छा तो रही, पर कलर सेम लॉग की जैसा ही लग रहा है इसका। तो आज पापा घर पे नहीं है तो इनको मिला है किचन का काम, तो खाना ये बना रही है दिन का, वरना अभी तक बन जाता अगर मैंने बनाना होता तो। अब हमारे हाथ का खाते नहीं है तो यही बनाएंगे, देखते हैं कितना स्वादिष्ट बनाते हैं। पापा ज़्यादा अच्छा बनाते हैं या मम्मी? अभी पापा भी यही कहेंगे ऐसा खाना है, पर मैं भी ऐसा ही तो वैसे आप गीला ही बनाते हो। जान बुझ के भात गीला बनाया जाता है। ये रक्षाबंधन का गिफ्ट लाए हो क्या? ये मेरे को अच्छा लग रहा है ग्रीन वाला, बताओ ना किसके लिए है। ये वाली सूट अच्छी लग रही है, बताओ किसके लिए लाए हो। तो ये है दगड़िया पिसी लून, अब बोलो मैं खाना स्वादिष्ट बनाती हूँ। नमक कम हो रहा है देखो, ये डाल तो रही हूँ मैं, नमक कम हो रही है। और सब्जी बड़ी की बनाई, बड़ी के टुकड़े किनारे कर रखे हैं। 3 सूट बजा दे आज यार, लेकिन मम्मी पसंद नहीं आ रहा की बात। आज शादी से पहले कितने गिफ्ट दिए पापा ने आपको? आगे दे रही है। पहली बार ले रही नहीं आज? कश्के लगे भाई, 3-3 एक लेने, 3-3 पूछा दिया आज। मैं तो मुझे राखी गिफ्ट हो, पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये वाली अच्छी लग रही है, ये थोड़ा बेटर है औरों से। इसको मैं बनाऊंगी, ये तो आप बनाओ, ये तो ना बनूंगी वापस तय बनाओ भाई। तो दगड़ियो आज पापा हमारे नए हुक्का लेके आए हैं। हुक्का भाई चिलम, इसको चिलम चिलम अच्छा नीचे वाले को बोलते हैं और ऊपर वाले को हुक्का बोलते हैं। तो आज तो आनंद ही आ रहा होगा फिर, आज नहीं होगा ये तो आनंद ही आएगा, क्यों नहीं वो वाकई बेर। तो अचानक से भी नींद खुली और बाहर देखा तो 5 बज गया यार, पता ही नहीं चला। आज तो खाना पीना भी लेट ही खाया हम लोगों ने, पापा पता नहीं इतना लेट क्यों करते हैं जब मार्केट जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा लेट ही सोई तो लेट ही नींद खुली। अब पानी भर के आती हूँ एक घड़े में एक जार में, आज मॉर्निंग में नहीं भर रखा है, सुबह बारिश हो रखी थी और फिर अभी शाम को भी वैसा ही मौसम हो रहा है, कहीं बारिश होगी तो फिर पानी गंदा आएगा, मिट्टी मिट्टी वाला है, तो इसीलिए टाइम से धारे चलते हैं पानी भर के लाते हैं। कौन सा लोग मराठी वाला भाई है? वाह यार गहने गहने दिखा, तो गहने तो दिखा शादी के लिए बिल्कुल तैयार। अब जरूरत ना गहने, वरना सुना गहने मंगा बेटे यार गोल्ड के है ना। ये तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये इयर रिंग, सीताल पीऊ ना गए, कितनी सुंदर लग रही है यार। 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी, हमने पहले ऐसे का करनी भी है, हार जमकिन बो कनफूल जमकिन बे हाथ ना चूड़ी, वैसे इनका भी हो रहा है। बचपन ना सिर्फ एक ही बार आता है यार, खूब इंजॉय करो। इतना चाय खा का चाम जी नहीं झांसी की रानी बन रही है या पिंगा वाले में डांस कर रही है?
पिंगाग परी पिंगाग परी पिंगाग परी पिंगा वाले में क्या क्या बनी है ये तो बता। मतलब मराठी लुक है, मराठी लुक है बस, और कुछ नहीं पकड़ना हाथ में, हाथ पाँव में खाली चलना है रोड में। तो दगड़ियो इतन झाल काकड़ा करियो, ए काकड़ नहीं लगी बोला चोर ने की ऊपर ले। चलो हमरा नहीं लगी बाबा मन खाने का लागू नहीं देखा गोवा मिला लागू नहीं देखा का चोर नहीं की ले। ए फूल छीन नहीं लगी वो सब छीन ले भींगा जड़ो रहन फूल ले भींगा जड़ो रहन तान तान अखला लगे नहीं जीवन दिला। अभी धारे जाने के लिए मेरे साथ एक और महिला बढ़ गई है, महिला तो क्या कहूँगी लड़की है। तो इनकी 15 अगस्त की फुल तैयारी चल रही है, कभी साड़ी कभी पिछौड़ा कभी कुछ कभी कुछ। तो यार मज़ा ही आ गया है, मैं भी आऊँगी कल तुम्हारे स्कूल में, बुला रखा है नहीं जैसे पेरेंट्स के अलावा औरों को भी आना हो सकता है। तेरी अम्मा आ रही है, फिर मम्मी आ रही है, जो भी आएगा मेरे को भी कहना मैं भी आऊँगी तुम्हारे स्कूल में देखने कैसा होता है। इवनिंग के बाद रात की चाय तैयार है, ये लीजिए। बाल तो काले ही हैं आपके, फिर भी मेहंदी क्यों लगाई? मैं सफेद ने दिया है रात को, कल हन सफेद हां ऐसा दिखेल बाल सान सान है बेटा। शाम को बारिश होने के बाद शानदार सा दृश्य अभी दिखाई दे रहा है, और मम्मी को चाय वगैरह पिला के मैं छत पे आ गई हूँ टहलने के लिए। तो सोचा था छत पे बैठ के भिंडी की सब्जी भी काटूंगी और सुंदर सा नज़ारा भी देखूंगी, तब तक तो बारिश ही आ गई। तो जैसे ही हम पानी लेके घर आए घड़े का, वैसे बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो फिर हम नीचे ही बैठे रह गए शीतल और मैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ, फिर छत पे आऊँ घर के। जब छत पे आओ तो कॉफ़ी पीने का ही मन करता है शाम के वक्त में, और आपको ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाती हूँ मैं। तो कल की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और बहुत सारे कॉमेंट भी आ रखे थे। तो मैंने आपको बोला था मैं पहाड़ी में ब्लॉग बनाऊँ या हिंदी में करके, तो आप लोगों के ज़्यादातर कॉमेंट पहाड़ी और हिंदी दोनों मिक्स में आ रखे हैं, क्योंकि मैं ना मिनी ब्लॉग भी बनाती रहती हूँ, तो आपको पहाड़ी वहाँ अलग से देखने को मिल जाती है। क्योंकि मेरे मिनी ब्लॉग होते हैं वो हमेशा पहाड़ी में ही होते हैं, मैं हमेशा पहाड़ी में ही उनको बनाती हूँ। तो सबके कमेंट लगभग यही आ रहे हैं कि आप दोनों मिक्स करके बनाओ, क्योंकि ना मेरी ऑडियंस बाहर की भी है और थोड़ा सा पहाड़ की भी है। तो सारी ऑडियंस अगर पहाड़ की होती तो मैं ज़रूर पहाड़ी में बनाती, क्योंकि पहाड़ी बोलना मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, बाहर से लोग मुझे देख रहे हैं तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो मुझे कैसे देखेगा, है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों के सेम कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ अब दोनों मिक्स करके ही बनाऊँ। अब जो ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे वही करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फिर आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगा मेरी ऐसा समझ में ही नहीं आएगी, आपको मेरी पहाड़ी लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी तो आप मुझे कैसे देखोगे, है ना। तो इसीलिए हिंदी और पहाड़ी दोनों मिक्स करके अब से मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इतने सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि हमारा नाम भी लेना, और हमने इतना प्यारा कमेंट कर रखा है, हम इतनी दूर दूर से आपको देख रहे हैं करके। तो यार मुझे ना टाइम नहीं हुआ उतने सारे कमेंट पढ़ने का, और मेरे पास ना एक ही फ़ोन भी था आज घर में, मम्मी का फ़ोन भी ख़राब हो रखा था तो वो मार्केट सुधारने के लिए दे रखा है, और अभी तक मिस्टर मोटू घर पे नहीं आए हैं हमारे। अगर वो घर पे आते तो मैं उनके फ़ोन से कमेंट पढ़ती और फिर आपको यहाँ से रिप्लाई देती, लेकिन इतने सारे कमेंट याद भी नहीं होंगे तो मैं दे भी नहीं पाऊँगी अपने फ़ोन से पढ़ के। तो अब जिस दिन वो घर पर होंगे तो मैं सारे कमेंट रीड करूँगी, उसके बाद आपको सबके जवाब मिलेंगे। पापा भी घर पे नहीं थे, पापा भी दुकान चले गए हैं, उनका भी फ़ोन घर पे नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा ही हो गया है। तो माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे हमेशा वीडियो में प्यार देते रहना आप सभी लोग, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। तो कमेंट करने से जो वीडियो की रीच है ना वो बढ़ती है, और मुझे भी सच में हौसला ऐसा मिलता है आप लोगों के सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं। तो पहाड़ी में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि यार पहाड़ी में ही बनाओ, हमें पहाड़ी बोलना आपका अच्छा लगता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को अगर मुझे पूरा पहाड़ी में सुनना है तो मिनी व्लॉग देखना आप हमेशा मेरे। तो डेली मैं एक मिनी व्लॉग डालती हूँ, पिछले 2-3 दिन से नहीं आए क्योंकि मुझे टाइम नहीं हुआ, तो अब से डेली डालूंगी मिनी व्लॉग्स। तो मिनी व्लॉग्स का टाइम रहेगा मेरा शाम का 5 बजे या 5:30 बजे, क्योंकि तभी मुझे टाइम मिल पाता है, तो मैं तभी ही पोस्ट करूंगी। उसके बाद 6 बजे मेरा व्लॉग ही आ जाता है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। तो काफ़ी सारे लोगों को मेरे 50K होने का भी बहुत इंतज़ार है, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि 50K हो जाएंगे तो मैं उसके बाद अपनी लव स्टोरी बताऊंगी और शादी की वीडियोस भी डालूंगी और बाकी चीज़ें मेरे साथ आज तक क्या क्या हुई यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊंगी, थंबनेल्स वगैरह जितना जो भी है सब कुछ 50K के बाद बताऊंगी। उससे पहले अच्छा भी नहीं लगता है, अब मैं भी अभी इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ कि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊँ, और फिर जो भी है 50K के बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा ऐसा ऐसा हुआ और क्या क्या परेशानी मुझे हुई करके। तो जल्दी से 50K कर दो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अगर सारे लोग शेयर करोगे तो जल्दी से हो भी जाएंगे 50K, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा प्यार। और 41K अभी हो चुके हैं मेरे, अभी 9000 और चाहिए मुझे।
तो जल्दी से हो जाए बस, मुझे तो इसी का इंतजार है कि मैं अपनी लव स्टोरी वाला ब्लॉग बनाऊंगी अलग से, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और वो पुराने दिन भी याद आएंगे। तो मंद मंद आग जल गई और भजल रही है चूल्हे में। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। तो भिंडी घर की है तो घर की भिंडी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, कौन कौन मानता है कमेंट जरूर करना। वह ताज़ी भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिख रही है, देखो बिल्कुल फ्रेश दिख रही है। जो बाज़ार की होती है ना वो चिमड़ी रहना गुनन, लेकिन क्या करें कुछ टाइम की होती हैं घर की भिंडियाँ, उसके बाद तो बाज़ार की खानी पड़ती हैं। तो मज़ डालते हैं इसको। तो रात का डिनर हो चुका है और मुझे बिना नींद आ रही है, दिन में नींद पूरी नहीं हुई तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।